हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोलंकी जी टेक्निकल। आज मैं आपको अनबॉक्सिंग करके बताने वाला हूँ ऑक्टर का स्मार्ट वाईफाई यूनिवर्सल रिमोट का। आपको अनबॉक्सिंग मैं करके आपको बताने वाला हूँ, जिसको आप अपने गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा के साथ यूज़ कर सकते हैं और अपने होम ऑफिस को स्मार्ट बना सकते हैं, फुल्ली ऑटोमेटिक कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है ये एंड्रॉयड और एप्पल प्लेटफॉर्म पर वर्क करेगा, है ना। और फॉर कॉमन यूज़ रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस लाइक सेटअप बॉक्स, एयर कंडीशनर, टेलीविज़न स्पीकर, है ना, आप ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। और भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कई चीज़ों को जो भी रिमोट वाला होता है ना। अब हम दोस्तों इसके बैक साइड में देखते हैं कि दोस्तों इसका MRP दिया है 4490 रुपीज़ का इसका MRP दिया गया है। और इसका दोस्तों नाम देख सकते हैं वाईफाई यूनिवर्सल रिमोट, और इसका मंथ और ईयर मैन्युफैक्चरिंग है जून 2019 का इसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर है। और इसमें हमको क्या क्या कंटेंट मिल जाता है, जैसे कि वन यूनिट आपको मिल जाता है रिमोट का, पावर अडाप्टर, USB केबल, यूज़र मैनुअल आपको मिल जाता है। अगर आपको कोई भी इसके बारे में कंप्लेन करना है तो आप इसमें फ़ोन नंबर भी दी है, ओकाया के लिए आपको ईमेल सपोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। और इसमें आपको 1 ईयर का वारंटी मिलता है दोस्तों, और MRP 4490 आपको मिल जाता है, ऑल टैक्स इंक्लूडेड। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमको क्या मिलता है। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा सील पैक है। अब हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए हमको सिंपली क्या करना है, हमको इसमें इसको कट करना है। दोस्तों ये हो गया बॉक्स हमारा कटिंग, अब हम इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले आपको एक कार्ड मिल जाता है जिसमें लिखा हुआ है थैंक यू सो मच फॉर योर परचेज। उसके नीचे में लिखा हुआ है फॉर हेल्प एंड सपोर्ट, आपको नंबर दिया गया है, उसके बाद YouTube का लिंक भी दिया गया है, यानी कि अगर आपको इसका डेमो चाहिए तो आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं। उसके नीचे में आपको वेबसाइट मिल जाता है। इसके बैक साइड में आपको हाउ टू स्टार्ट दिया गया है, और इसमें बोला गया है कि डाउनलोड ऑक्टर स्मार्ट होम। उसमें आपको गूगल प्ले और आपको एप्पल का ऐप स्टोर दिया गया है ना। टू लर्न मोर विजिट www.octarremote.com। उसके बाद दोस्तों इसमें आपको यूज़र मैनुअल मिल जाता है कि आपको इसको कैसे करना है, कैसे आपको इसको यूज़ करना है। सबसे पहले आपको क्रिएट लॉगिन एंड कॉन्फिगर वाईफाई, ऐसा करके आपको स्टेप करके दिया गया है और बताया गया है। आप देख सकते हैं आपको ऐसा टाइप का आपको यूज़र मैनुअल मिल जाता है। अब हम इसको साइड में रखते हैं। अब जो हमारा मेन यूनिट है, वो है हमारा ये रिमोट हमको मिल जाता है ये पॉलीथीन के अंदर। इसको मैं थोड़े देर में आपको बताता हूँ, पहले देख लेते हैं और क्या क्या बॉक्स के अंदर मिल जाता है। तो दोस्तों हमको एक मिल जाता है, एक USB टू माइक्रो USB वाला केबल मिल जाता है इसको चार्जिंग करने के लिए। आप देख सकते हैं आपको मिल जाता है, और इसका लेंथ आपको कुछ इस प्रकार का मिलता है। आप देख सकते हैं इतना लंबा आपको लेंथ मिल जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको एक चार्जर भी मिलता है, जिसका आपको रेटिंग मिल जाता है 5 वोल्ट 1 एम्पियर का। आपको एक चार्जर भी मिल जाता है इसको पावर देने के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारा मेन यूनिट, ये रहा दोस्तों हमारा मेन यूनिट। अब हम इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉलीथीन को निकालते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप जो हमारा ओकाया यूनिवर्सल रिमोट है कुछ इस प्रकार का आपको दिखता है। सबसे ऊपर में आपको ओकाया रिमोट लिखा हुआ आता है, और ये ब्लैक कलर का काफ़ी ग्लॉसी दिखता है दोस्तों। ब्लैक कलर में है, काफ़ी ग्लॉसी है, और इसका जो मटेरियल है दोस्तों वो प्लास्टिक मटेरियल यूज़ हुआ है इसमें, जो कि काफ़ी मजबूत है, काफ़ी हार्ड लग रहा है। साथ ही में दोस्तों आप इसके आइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाता है वारंटी वाइड इफ सील इज़ ब्रोकन। तो आपको जो ये वारंटी जो है इसमें लिखा हुआ है, उसको आपको ब्रोकन नहीं करना है ये सील को, नहीं तो आपको वारंटी नहीं मिलेगा।
साथ ही साथ इसके बैक साइड में आपको मिल जाता है, आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, लॉन्ग प्रेस दिस बटन टू स्टार्ट वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद दोस्तों इसका डिवाइस आईडी और पासवर्ड दिया गया है। साथ ही साथ इसमें ये भी दिया गया है आपका क्यूआर कोड। अगर आप क्यूआर कोड को एप्लीकेशन में जाकर स्कैन करेंगे तो आपको डिवाइस आईडी और पासवर्ड डालने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेट हो जाएगा। साथ ही साथ नीचे में आपको लिखा हुआ है इनपुट 5 वोल्ट DC 1 एम्पियर। और दोस्तों अगर आपको इसको माउंट करना है तो यहाँ पे ये देखिए रैपर, ये देख सकते हैं ना ये रैपर, आपको इसको रैपर को निकाल देना है, उसके बाद आप कहीं पे भी इसको माउंट कर सकते हैं। तो आपको इसको ज़्यादा टेंशन नहीं है लगाने का, आप डायरेक्ट इसको निकाल के माउंट भी कर सकते हैं, चाहे आपके वॉल पे कर सकते हैं, किसी भी जगह आप इसको कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके चार्जिंग सॉकेट के बारे में, जो कि काफ़ी यूनिक जगह पर दिया गया है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये रहा दोस्तों यहाँ पे दिया गया है इसका चार्जिंग सॉकेट, मैं आपको दिखाता हूँ लगाकर। बट दोस्तों एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो इसका चार्जिंग सॉकेट है बहुत ही गलत प्लेस पर दिया गया है, काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है इसको लगाना, है ना, इसको लगाने में काफ़ी मुश्किल और काफ़ी तकलीफ़ होता है यहाँ पे लगाना। अगर चार्जिंग सॉकेट को इसके जगह यहाँ पर या कहीं पर दिया रहता तो ज़्यादा बेटर रहता मेरे हिसाब से। यहाँ पर काफ़ी मतलब मुश्किल पड़ता है हमको चार्जिंग सॉकेट को इस पर लगाने के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि मैंने इसको कितने प्राइस में परचेज़ किया। तो दोस्तों मैंने इसको परचेज़ किया है अमेजोन से, जब अमेजोन में चल रहा था ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, और इसको मैंने परचेज़ किया 1419 रुपीज़ में, यानी कि 1490 रुपया में। बट दोस्तों मेरे को उसमें 15% का और डिस्काउंट मिला, तो मेरे को ये कम में मिल गया। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको ये रिमोट चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये रिमोट को आप एलेक्सा के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपने होम को फुल्ली ऑटोमेटिक कैसे बना सकते हैं। मैं आपको इसको सारे गैजेट के साथ आपको यूज़ करके बताऊंगा। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा बताइएगा ज़रूर। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।